हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। स्टैंडर्ड 5th एनवायरमेंट चैप्टर 20 हुज फॉर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैंडर्ड 5th एनवायरमेंट विद द कंटिन्यूएशन ऑफ अवर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 20 हुज फॉरेस्ट। दिस इज द स्टोरी रिगार्डिंग सूर्यमणि, राइट? सो लेट्स सी, हमने मैप में देखा था, सर्टेन क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे, दैट इज एट पेज नंबर 188 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सर्टेन क्वेश्चंस। नाउ लेट्स सी लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम एट पेज नंबर 189। यू रीड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सूर्यमणिस स्टोरी। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ सूर्यमणि एंड हमने देखा, राइट, क्या देखा? फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा ये स्टोरी में जो इंडिकेट किया गया है। नाउ रीड अबाउट फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ मिजोरम। अब झारखंड का हमने पढ़ा, अब मिजोरम का फॉरेस्ट के बारे में हम देखने वाले हैं। सी हाउ पीपल लिव देयर एंड हाउ फार्मिंग इज डन। वहां पे लोग कैसे रहते हैं एंड वहां पे फार्मिंग कैसी होती है वो हम आज देखने वाले हैं। डिंग डिंग डिंग, एज सून एज द स्कूल बेल रैंग, लाउमेटी अ डिंगी, यानी कि डिंगी मा पिक देयर बैग एंड हरिड होम, यानी कि लाउमेट ये वो रैंग बेल होता है, ऐसे साउंड करता है, राइट? एंड जो डिंगी मा थी पिक्ड देयर बैग्स एंड हरिड होम। ऑन द वे दे स्टॉप टू ड्रिंक वॉटर फ्रॉम अ स्ट्रीम इन अ कप मेड ऑफ बैम्बू विच वॉज केप्ट देयर। अब रास्ते में जाते समय उन्होंने क्या किया, स्ट्रीम यानी कि झरना, वहां से उन्होंने बैम्बू का जो कप था उसमें पानी पिया, विच वॉज केप्ट देयर, वहां पे ही था। टूडे नॉट ओनली द चिल्ड्रन, इवन साइमा सर वो भी वॉज इन हरी टू गेट बैक, वो भी आज बहुत ही उतावले हो रहे थे वापस जाने के लिए, राइट? क्यों? टुडे देयर विल बी अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द विलेज काउंसिल, यानी कि पंचायत, क्योंकि आज स्पेशल मीटिंग होने वाली थी किसकी, ग्राम पंचायत की, राइट? विलेज काउंसिल यानी कि पंचायत की। एट द मीटिंग देयर विल बी अ लॉटरी टू डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग। लॉटरी यानी कि जो फार्मिंग के लिए लैंड ऐसे बोलते हैं ना, डिवाइड करते हैं, राइट, उसको लॉटरी बोलते हैं। तो आज ये तय होने वाला था लॉटरी टू डिसाइड कि भाई किसको, किस कौन सी फैमिली को कितनी लैंड मिलेगी। द लैंड बिलोंग्स टू द होल विलेज। अब ये जो लैंड थी वो तो पूरे गांव की लैंड थी। नॉट टू सेपरेट पीपल सो दे टेक टर्न्स टू द फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, यानी कि उनको सेपरेट नहीं करनी थी, तो हर बार कोई और आता है उसको फार्मिंग करनी होती है, वैसे लाइक दैट इज लॉटरी कि भाई ये स्पेसिफिक इतनी जमीन इनकी, इतनी जमीन इनकी, इतनी जमीन इनकी, वैसी नहीं, वो जमीन पूरे विलेज की होती है और पूरे विलेज की जो जमीन होती है तो उसमें हर बार लॉटरी में डिसाइड किया जाता है कि भाई इस बार कौन फार्मिंग करेगा। अ ब्यूटिफुल पॉट मेड ऑफ बैम्बू वॉज शेकन वेल। अब एक अच्छा सा पॉट होता है, उसको उसके अंदर चिट्ठियां डाली होती है और वो शेक वेल करते हैं। वन चिट वॉज टेकन आउट, अंदर से एक चिट निकलती है। साइमा सर फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस। अब किसको पहला चांस मिला, साइमा सर के फैमिली को। ही सेड आई एम हैप्पी दैट माई फैमिली गेट्स टू चूज फर्स्ट। उन्होंने बोला कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी फैमिली को पहला चांस मिला। आई हैड टेकन मोर एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल। मैंने बहुत ही यानी कि आई हैड टेकन मोर एंड उनको भाई फार्मिंग का जो था उसको मिला नहीं, एबल टू फार्म इट वेल। आफ्टर माई सिस्टर जीरी गॉट मैरिड एंड वेंट अवे, इट इज डिफिकल्ट टू मैरेज फार्मिंग अलोन। यानी कि उसके बाद क्या हुआ कि भाई उनकी मैरिज हो गई और वो बहुत ही यानी कि जब मैरिज हुई उसके बाद फार्मिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, यानी कि मैनेज करने के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल था। साइमा सर आस्क फॉर 3 टीन ऑफ लैंड। अब उन्होंने बोला कि भाई 3 टीन ऑफ लैंड आप उनको दे। लिटल मथिनीज आस्क व्हाट इज देयर टीन ऑफ लैंड, वो क्या होता है टीन ऑफ लैंड।
Then Chamui explained, the land on which we grow one tin of seed is called one tin of land. One by one the village families got their piece of land for farming. यानी कि भाई एक हिस्सा, right? उसको tin बोलते हैं. तो जिसमें वो उगाते हैं seeds या grow करते हैं, cultivate करते हैं, crop करते हैं, तो उसको farming बोलते हैं. तो धीरे धीरे सबको land मिलने लगी. Now, which are the states around Mizoram? आपने पहले ये स्टोरी में देखा कि भाई ये स्टोरी रिलेटेड कैसे थी, कि पहले तो वो जो जमीन थी वो सबकी थी, उसके बाद साइमा सर जो थे उनको पूरा नहीं, उनको जरूरतें फुलफिल नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने 3 tin ऑफ लैंड उन्होंने मांगा और धीरे धीरे सबको थोड़ी सी लैंड मिली. नाउ विच आर द स्टेट्स अराउंड मिजोरम, कौन कौन से स्टेट है? त्रिपुरा, आसाम एंड मणिपुर. राइट, मिजोरम में कौन से स्टेट है? त्रिपुरा, आसाम एंड मणिपुर. नाउ चमोई से दे मेजर लैंड यूजिंग टिन. अब उन्होंने बोला कि भाई वो मेजर करते हैं टिन के हिसाब से. तो विच आर द अदर वेज टू मेजर लैंड? ओके, तो दे आर मेजर्ड इन यार्ड्स, राइट, देन स्क्वायर मीटर्स एंड इन फीट. राइट, कैसे और करते हैं? पहले हम स्टेट्स ऑफ मिजोरम लिख लेते हैं. राइट, स्टेट्स ऑफ मिजोरम कौन से हैं? त्रिपुरा, आसाम एंड मणिपुर. ये 3 स्टेट्स हैं. एंड व्हाट एल्स? कि भाई कौन से और तरीके हैं मेजरिंग लैंड के लिए? तो वो है यार्ड्स, यार्ड्स, देन और क्या था, फीट एंड मेजर स्क्वायर मीटर में नापा जाता है. राइट, सो दिस इज द मेजरिंग, अदर वेज ऑफ मेजरिंग लैंड. नाउ returning from the school, children drank water in the bamboo cup. Who do you think would have made this cup and kept in the forest? क्यों? Why? किसने बनाया होगा? The आदिवासीज. किसने बनाया होगा? आदिवासीज made the cups. They made those cups to help travelers. जो वहां से travel करते हैं उनको help करने के लिए वो लोग, उन्होंने वो cup बना के वहां पे रखा था. Now what could be done to save forest? क्या कर सकते हो forest को save करने के लिए? तो some of the measures to save forest are by planting more trees, control over forest fire, regulating and planning cutting of trees and reforestation. ये 4 हम कर सकते हैं forest को बचाने के लिए. Right, now झूम farming. What is झूम farming? झूम farming is very interesting. After cutting one crop, the land is left as it was for some years. Nothing is grown there. The bamboo or the weeds which grow on that land are not pulled out. They are cut and burnt. The ash makes the land fertile. अब आपको पता है गेहूं का जो होता है वो जला डालते हैं. तो झूम फार्मिंग इट इज वन सॉर्ट ऑफ दैट ओनली, कि आफ्टर द क्रॉप उगता है ना, तो उसके बाद उसको क्या करते हैं, कुछ करते नहीं है, कि वो निकालते नहीं है कुछ भी, उसमें ही रखते हैं. नथिंग इज ग्रोन देयर. राइट, कई सम इयर्स यानी कि थोड़े साल उसमें कुछ उगाते नहीं है. द बैम्बू और द वीड्स विच ग्रोन, उसमें जो खड़ जो ग्रो होता है, राइट, हम खड़ बोलते हैं, वो जो ग्रो होता है उसको उसी में डालते हैं, उसी में ही रखते हैं और उसको जला डालते हैं. और वो जो भाई बर्न जो बर्न किया गया होता है, द ऐश मेक्स द लैंड फर्टाइल. ऐश जो होती है वो लैंड को क्या बनाती है? फर्टाइल बनाती है. राइट, नाउ व्हेन द लैंड इज ओके, सो व्हाइल बर्निंग केयर इज टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट. पर ध्यान बहुत ही रखना पड़ता है कि जब भी वो उसको जलाते हैं तो आजू बाजू में आग ना फैल जाए, उसकी लाइक उनको ध्यान रखना पड़ता है.
When the land is ready for the farming, it is lightly dug up. अब जब भी वो ready हो जाती है तो थोड़ी सी खुदाई कर लेते हैं, right? Not plowing and प्लाविंग की तरह ना थोड़ी सी खुदाई कर लेते हैं. सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट, सीड्स अंदर ड्रॉप करते हैं. इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस कैन बी ग्रोन. यानी कि एक ही वन फार्म, यानी कि एक ही फार्म में, एक ही फील्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स आर बीन ग्रोन, लाइक मेज, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस, ऐसे ऐसे. वीड्स एंड अदर अनवॉन्टेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट. अब जो वीड्स होती हैं, हम जो बोलते हैं ना कि जो एक्स्ट्रा जो क्रॉप के अलावा हमें नहीं चाहिए, वो उसको पुल नहीं करते हैं ना. एंड अदर अनवॉन्टेड प्लांट्स आर नॉट बीन पुल्ड आउट, दे आर जस्ट कट. उसको सिर्फ काटते हैं, खींचते नहीं है रूट्स में से, सिर्फ काटते हैं. सो दैट दे कैन मिक्स विद द सॉइल, ताकि वो अच्छी तरह से सॉइल में मिक्स हो सके. दिस है ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग द सॉफ्ट फर्टाइल. ये क्या काम करता है, सॉइल को सॉफ्ट बनाने का, फर्टाइल बनाने का. इफ सम फैमिली इज नॉट एबल टू डू फार्मिंग ऑन टाइम, अदर हेल्प देम एंड आर गिवन फूड. अब ये प्रोसेस तो लंबी प्रोसेस है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ऑन टाइम वो फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, तो दूसरी फैमिलीज जो होती है वो उनको हेल्प करती है. द मेन क्रॉप हियर इज राइस. अब मिजोरम में मेन क्रॉप क्या है, राइस है. आफ्टर इट इज कट इट इज डिफिकल्ट टू टेक इट होम. अब जब ये कट करते हैं तो बहुत ही दिक्कत होती है घर पे ले जाने के लिए. देर आर नो रोड्स, ओनली हिली पैथ्स. पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैक्स. दिस टेक्स मेनी वीक्स. अब वहां पे तो रास्ते जो होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, राइट. द पाथ ओवर देयर इट इज नॉट वेल, यानी कि हम जो बोलते हैं सीमेंट रोड्स, दे आर नॉट अवेलेबल ओवर देयर बिकॉज ऑफ द हिली पार्ट. तो जो उनके रास्ते होते हैं वो हिली पार्ट, हिली रीजन्स है, इसीलिए हिली वेज होते हैं, हिली पैथ्स होते हैं. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी द क्रॉप ऑन द बुलक कार्ट और एनी अदर ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन. सो उनको हम बोलते हैं कि चल के ही बैक में ले जाना पड़ता है, तो इट टेक्स मैनी वीक्स. When the work is over, the entire village celebrates. अब जैसे लॉरी और वो सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, तो जैसे ही क्रॉप कल्टिवेट हो जाता है, हार्वेस्ट हो जाता है, तो उन सब लोग सेलिब्रेट करते हैं. पीपल गेट टूगेदर टू कुक एंड ईट. अब सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, सिंग करना, डांस करना, एक साथ इकट्ठा होके एंजॉय करना, खाना, राइट, ऑल दोज थिंग्स. दे डू द स्पेशल चिराव डांस. अब चिराव जो डांस होता है वो लोग करते हैं, आदिवासी डांस है. इन दिस डांस पीपल सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के साथ में पैर में बैठ जाते हैं, होल्डिंग बैम्बू स्टिक ऑन द ग्राउंड. नीचे बैम्बू स्टिक यानी कि लकड़ी रख के पकड़ते हैं वो बैम्बू स्टिक. एज द ड्रम बीट्स द बैम्बूज आर बीटन ऑन द ग्राउंड, डांसर्स स्टेप इन एंड आउट ऑफ द बैम्बू स्टिक्स एंड डू डांस द बीट. आपको अगर पता होगा कि ऐसे नीचे रखते हैं, ऐसे नाच, जैसे ऐसे ऐसे होता है तो वो लोग ऐसे ऐसे कूदते हैं, राइट, बैम्बू स्टिक के अंदर बाहर, वैसे आपने देखा ही होगा ये. नाउ फाइंड आउट मोर अबाउट द चिराव डांस, डू इट इन योर क्लास. इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट, पर बहुत ही अच्छा होता है. एट द मोमेंट वी आर नॉट एबल टू डू दिस, बट वेन वी विल मीट वी विल सी विद इट. बट be careful and don't hurt yourself. About 3/4 people in Mizoram are linked to the forest. Life is difficult but almost all children go to school. अब 3/4 part जो होता है वो मिजोरम से जुड़ा हुआ है forest में, पर वहाँ पे सब लोग school पे भी जाते हैं and दिक्कत तो होती है पर जाते हैं school में. You can see some of them here playfully blowing the leaf whistles. You too have made such whistles, haven't you? यानी कि वो लोग क्या करते हैं भाई, ऑब्वियसली स्कूल में जाते हैं, राइट, तो whistles बजाते हैं, वो सब कुछ तो करते ही है. तो आपने भी किया होगा, पता है आप भी करते हो, मुझे पता है, ऐसे whistle बजाते हो, पेन की वो जो ढक्कन होता है ये ऐसे ऐसे बजाते हो, राइट. तो ये बच्चे भी वैसे ही थे जब स्कूल में जाते थे, तो whistles बजाते थे and having fun in the school. So what we have learned, what is similar and what is different between Jhum farming and Bhaskar Bhai's way of farming. It is very different. Bahut hi alag hai. Explain in your own words why forests are important for the people living in forest.
अब वो तो उनका घर ही है, तो ऑब्वियसली वो तो इम्पोर्टेंट ही होगा। तो क्यों इम्पोर्टेंट है? तो भाई वो अपना गुजारा यानी कि लाइवलीहुड, अपना जो होम है वो ही उनका फॉरेस्ट है, तो ऑब्वियसली वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड डिड यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग इन झूम फार्मिंग? व्हाट इज इट? यस, इंटरेस्टिंग तो है अभी कि वो पूरा जला डालते हैं फार्म जो होता है फील्ड, और एक ही फार्म में बहुत सारे क्रॉप्स जो है वो उगाए जाते हैं, राइट? सो इट इज ऑब्वियसली समथिंग न्यू, राइट? तो आई होप फार्मिंग का जो हूज फॉरेस्ट एंड द डिफरेंट वेज ऑफ फार्मिंग था वो भी हमें पता चल गया। ये भास्कर भाई वाला है वो अगले चैप्टर का है, सो यू नीड टू कंपेयर दैट फार्मिंग एज वेल एज हियर। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।